जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। दोस्तों, क्या हालचाल? और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द मैं इंडिया का पूरा टूर स्टार्ट करूंगा, खास करके हमारी संस्कृति और जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई है वो हम जाके देखेंगे। और आप लोगों के सजेशन की वजह से जो फर्स्ट विज़िट मेरा है वो एलोरा का कैलाश टेम्पल है। और हमारे साथ आज गाइड मौजूद है भास्कर। भास्कर जी, जी तो कहाँ हम जा रहे हैं सबसे पहले? अभी सबसे पहले अपन बौद्ध गुफा देखने जा रहे हैं। मुंबई से हो, किधर से हो? भाई यही से, एलोरा से हुए। तो ये अपुन तपुन वाली भाषा आपने कहाँ से सीख ली? यही से सीखी सर। कैसे कैसे? ये अब ये हिंदी, यहाँ पर तो सभी लोग, ज्यादातर हिंदी लोग आते हैं ना। हाँ, तो वो लोग सब अपुन तपुन बात करते हैं सर। अच्छा, तो वो आपको भी आदत हो गई। इस प्लेस को एलोरा के नाम से जाना जाता है। ओके, एलोरा हिंदी और इंग्लिश में एलोरा कहा जाता है। और इसी प्लेस का ओल्ड नेम यानी प्राचीन नाम एलापुरम था। एलापुरम ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी में इस प्लेस का नाम एलापुरम हुआ करता था। कितने साल पहले? ये कम से कम 1700 साल पहले। 1700 साल? 1700 साल। ओहो हो हो हो, क्योंकि ये बना है 5th century AD से स्टार्टिंग हुआ है, यानी मोहम्मद साहब से भी पहले। यस, 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए थे। तो उससे पहले ये 5th century से स्टार्टिंग हुआ है सर। अच्छा, 5th century से स्टार्टिंग हुआ है, तो 11th century AD तक का इसका निर्माण हुआ है। यानी कि ये सारी क्यों बनाने के लिए 600 साल का अवधि लगा है। 600 साल का वक्त लगा है, पूरा लगा है टोटल। यहाँ पर एलोरा में आपको 3 धर्मों की गुफाएं आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर पहला जो है बौद्ध गुफा है, मिडिल हिंदू गुफाएं, और लास्ट में जैन गुफा है। जैन गुफा है। यस, पहली जो डायनेस्टी थी वो है चालुक्य। हाँ, चालुक्य के बाद में राष्ट्रकूट। ये दोनों डायनेस्टी ने मिलकर ये सारी केव बनाई है सर। ओके, जिस माउंटेन में ये केव बनी है, ये सारा जो माउंटेन है ये वॉल्केनिक है सर। झटके आते रहते हैं? यस, यहाँ झटके नहीं आते रहते, लेकिन ये लावा से तैयार हुआ माउंटेन है। अच्छा, लावा से तैयार हुआ माउंटेन है। इसीलिए तो इस तरह की गुफाएं आप यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, पहाड़ तो आपने इससे भी बड़े बड़े देखे होंगे। उस पहाड़ में सभी मिक्स मिलता है आपको, रेती, कंकर, मिट्टी, ये सभी मिक्स मिलता है। लेकिन इस पहाड़ में वो चीज़ आपको कहीं नहीं देखने को मिलती है। इस पहाड़ में जो पत्थर है, जो स्टोन है, इस स्टोन को बसाल्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बसाल्ट रॉक है सर। ये बसाल्ट रॉक ऐसा होता है कि इस बसाल्ट रॉक में काम करते समय ये मार्बल से भी सॉफ्ट होता है। अच्छा, जब ये काम करके खत्म होता है तो ये हवा, पानी, धूप लगने से ये पत्थर स्ट्रांग होते रहता है। इस पत्थर की एज बढ़ती रही है, आयु बढ़ती रहती है। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पर धूप में, अभी यहाँ फिलहाल में धूप में है, जैसे कि फुल धूप यहाँ पर गिरती है तो इन साइड आपको कूल लगेगा अंदर में। अच्छा, अंदर कूल लगेगा, गुफा के अंदर में एकदम ठंडा लगता है, जैसे कि मानो लो एसी चालू है। अच्छा, और विंटर में ठंड में यहाँ पर आओगे तो आप इन साइड यानी कि गुफा के अंदर में आपको वार्म लगेगा, गर्म लगेगा। ये पत्थर जो ऐसा है कि अपने आप में कन्वर्ट होता है मौसम के अनुसार, 2-in-1 काम करता है। यस, इसीलिए जो ये गुफा जो बनी है सर जी, खासतौर से बौद्ध गुफा जो बनी है खासतौर से मेडिटेशंस, एजुकेशंस और कुछ स्टडी के लिए बनाए गए। अच्छा, 10 नंबर ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि इसे चैत्य कहा जाता है, बौद्ध धर्म में पूजा पाठ करने की जगह। ओके, तो इस चैत्य में आपको एक ही 15 फीट का गौतम बुद्ध का स्टैचू देखने को मिलता है। हाँ, जो कि ध्यान साधना में बैठे है गौतम बुद्ध जी, जो कि इस जो टीचिंग में जो मुद्रा में गौतम बुद्ध जी बैठे हैं उस मुद्रा को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके अभी बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, तो कलाकारों ने पीपल का पेड़ नहीं बनाते हुए पीपल का पत्ते का डिजाइन बनाया। देखिए सामने दिख रहा है आपको। हाँ, उसी विंडो के लेफ्ट और राइट साइड में देखिए 3-3 टैचूस आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, इसे गंधर्व कहा जाता है। क्या होता है वो? गंधर्व यानी कि वेलकम करते हुए बताया है। ओके, जैसे कि स्वागत करते हुए बताया है। उसी के बाद में आपको ये 2 टेम्पल आपको बाहर पीछे बैक साइड में आपको नजर आ रहे हैं। दोनों का भी कार्विंग देखिए डिफरेंट है। ओके, क्योंकि राइट वाला जो टेम्पल है इसे द्रविड़ियन स्टाइल में बनाया गया टेम्पल ऐसे कहा जाता है, द्रविड़ियन। और जो लेफ्ट साइड में टेम्पल बना है वो है नागर स्टाइल, जो कि नागर, जो कि नॉर्थ में जितने भी टेम्पल बनते हैं वो कलश वाले बनते हैं, और जो साउथ में टेम्पल बनते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बनाए जाते हैं, जो कि उस ऊपर में कलश नहीं होते, गोपुरम होता है। तो ये बताने को यही उद्देश्य उनका, यही रीजन है कि उनका कि ये काम करते समय ये दोनों डायनेस्टी आकर उन्होंने काम किया है। अच्छा, द्रविड़ियन तो दोनों के हिसाब से बना, दोनों के हिसाब से बनाया है। अच्छा, एक डायनेस्टी बनाते तो सेम बनाते थे, डिफरेंट नहीं बनाते थे, इसलिए उन्होंने दोनों ने ये अलग अलग बनाया ताकि आने वाले जनरेशन के लिए पता लगना चाहिए कि ये किस डायनेस्टी में बना है। ठीक है, अभी चैत्य के अंदर जाते ही आपको 15 फीट का टैचू देखने को मिलता है, जो कि ध्यान साधना में बैठे गौतम बुद्ध जी, जो कि स्तूपा है, स्तूपा के अंदर में गौतम बुद्ध का टैचू देखने को मिलता है। उसी स्तूपा के लेफ्ट और राइट साइड में आपको 2 टैचूज देखने को मिलते हैं, जो कि लेफ्ट में उनका नाम है
वज्रपाणी और राइट में उनका नाम है पद्मपाणी, क्योंकि गौतम बुद्ध के सबसे क्लोज फॉलोअर्स थे, सबसे डिसाइपल थे क्या, ये डिसाइपल थे, और उनका उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। और इस चैत्य का खास तौर से आपको सीलिंग देखना है सर, सीलिंग मानो ऐसा लगता है कि ये लकड़ी में काम किया जैसा है, वुड में काम किया जैसा, लेकिन है एक्चुअली स्टोन में। इसीलिए इस चैत्य को विश्वकर्मा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, विश्वकर्मा टेम्पल यानी कि विश्वकर्मा, ये दुनिया के सबसे बड़े वुड आर्किटेक्चर और उन्हें गॉड ऑफ कारपेंटर भी कहा जाता है। ओके, लोगों का स्वयं ऐसा मानना है कि स्वयं विश्वकर्मा भगवान आकर ये उन्होंने ये टेम्पल बनाया है। हाँ, लेकिन लकड़ी का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, एक्चुअली स्टोन का ही दिखता, लकड़ी का दिखता है लकड़ी का। और इस चैत्य में और एक खास बात है कि इस चैत्य में एक को होता है सर रिसाउंड आता है। हाँ, क्योंकि अंधेरा है, लेकिन यार आप सोचो पहाड़ के अंदर कार्विंग करके इतना जबरदस्त तरीके से बनाया गया कि उस जमाने में लाइट ही नहीं तो माइक की बातें नहीं आती हैं। हाँ, बराबर है। और ये कुछ खास जगह है, कुछ मैसेज देने की जगह है, कुछ प्रेयर करने की जगह है, कुछ प्रार्थना करने की जगह है। तो फर्स्ट वन से लेकर लास्ट वन तक सब कुछ सुने जाना है, इसलिए इस चैत्य में बहुत सुंदर सा एको होता है। और इसी एको की वजह से दूर तक आवाज जाती है। इसी चैत्य को म्यूजिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा गाइज, ये जो नीचे का अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसी का ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से व्यू आप देख सकते हैं। देखिए गाइज, ये देखिए यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई है उसका फेस डिस्ट्रॉयड है, यानी उंगली की है किसी ने। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये जो दो टैचूस आपको यहाँ पर बाहर नजर आ रहे हैं, इन्हीं का नाम है हरिति और इनका नाम है जम्बाला, जो कि उस जमाने में राजा रानी हुआ करते थे। और इन लोगों का इस गुफा बनाने में बहुत सा योगदान रहा है, जो कि उस जमाने में ये लक्ष्मी और कुबेर के नाम से भी जाने जाते थे। जैसे ये बौद्ध धर्म में धन का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, यहाँ पर अभी आठ नंबर देखने जा रहे हैं सामने, जो कि उनके मेडिटेशन रूम से यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि 1600-1700 साल पहले पुराना मेडिटेशन रूम आप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये मेडिटेशन रूम है, ये सभी मेडिटेशन रूम से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सामने आपको ये मेडिटेशन रूम से ये 8x8 का एक सिंगल रूम से यहाँ पर सिंगल बौद्ध भिक्षु बैठ कर मेडिटेशन करते थे। ये छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे रूम से यहाँ पर यहाँ पर मेडिटेशन करना। और ये सभी बिहार है, ये सबसे बड़ा बिहार है, यहाँ पर रहना, यहाँ मेडिटेशन करना, जो अपने पीछे साइड में देखे वो वहाँ पर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ होता, पूजा पाठ करने की जगह। बौद्ध लोगों का यहाँ पर स्टेज हुआ करता था, जो कि उस जमाने में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ यहाँ पर हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने स्टेज बना कर रखा है। और स्टेज के बाहर देखिए वहाँ पर भी दो दो होल्स दिख रहे थे, मशाल के लिए, मशाल के लिए यूज करते थे। जैसे सेम थिंग जहाँ पर भी जाओगे उसी सेम टीचिंग में आपको ये गौतम बुद्ध का। लेकिन बहुत सारे स्टैचूज है यार, मतलब बहुत ज्यादा मानते थे क्या लोग? बहुत ज्यादा मानते थे। देखिए ये व्यू है, अरे हाय जबरदस्त यार, यहाँ से इसका रास्ता है। ओए ओए, फुल मेहनत करना पड़ रहा है। ये देखिए भाई, इतना चढ़ने उड़ने की आदत नहीं है मुझे। यह है केव नंबर 5। देखिए इसमें क्या लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था। हाँ, डाइनिंग हॉल इतना बड़ा है कि कम से कम 200 या 250 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। हाँ, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल है, और जो कि उस जमाने में नीचे बैठकर ही खाने की प्रथा थी। ये सबसे बड़ा हॉल है, जो कि 117 फीट लंबा है और 60 फीट चौड़ा है। सब जगह पे कार्विंग है। गौतम बुद्ध के जो स्टैचूज है वो भी बहुत सारी जगह पे, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मानते थे लोग, आस्था बहुत ज़्यादा थी इनकी। देखिए यहाँ पे भी गौतम बुद्ध का स्टैचू है, ये पता नहीं ये कौन है, ये मेरे ख्याल से जो दो लोगों के नाम बताए थे ये वही दो हजरत है। कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? मेरी नज़र से ये एलोरा के जो केव्स है वो देखना। ये भी मैं जा रहा हूँ कैलाश टेंपल के अंदर। इस मंदिर का चित्र जो है 20 के नोट पर आया, देखिए सर।
यही मंदिर है, ये पिलर है सामने वाला।